इस बार नया वर्ष आबकारी विभाग के लिए बेहद खास रहा। जितना रेवेन्यू उन्हें 2 महीने में मिलता है उतना एक रात में ही मिल गया। नए साल के जश्न में प्रयागराज में इस बार शराब के शौकीनों ने करोड़ों रुपए की शराब हजम कर डाली। आंकड़े देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। नव वर्ष के पूर्व संध्या पर लोगों में शराब खरीदने का उत्साह देखा गया। हमारी लाइसेंसी दुकानों पर और जो बहुत सारे लोग थे जिन्हें अपना उत्सव मनाना था, उन्हें ओकेजनल बार लाइसेंस जो 10,000 रुपए का मिलता है वो दिया गया। तो 14 ओकेजनल बार लाइसेंस हमारे यहाँ से निर्गत हुए और 16 बार के लाइसेंस स्थायी रूप से हैं, उनमें भी कार्यक्रम हुए। और मेरा अनुमान है कि देशी अंग्रेजी बियर तीनों को मिला करके लगभग 3.5 करोड़ रुपए का राजस्व एक ही दिन से हमको प्राप्त हुआ है। एवरेज कितना है कि साल में कितना आता है? हम लोगों का लक्ष्य जो है 800 करोड़ का है, 826 करोड़ का, और माह में 70 से 75 करोड़ के बीच में राजस्व प्राप्त हो जाता है। तो राजस्व की दृष्टि से गत वर्ष से तो हमारा 35% राजस्व प्लस में चल रहा है, लेकिन ये सीजन है, शादियों का सीजन था, उसमें वृद्धि हुई, दीपावली में वृद्धि हुई, और नव वर्ष में तो विशेष उल्लास, लोगों ने उल्लास के साथ नव वर्ष मनाया है और मदरा का उपभोग भी बढ़ा है।